नमस्कार, मैं शालू तोमर, आप देख रहे हैं यूपी 24 न्यूज। फिरोजाबाद की सबसे बड़ी खबर, किड्स कॉर्नर स्कूल के संचालक मयंक भटनागर के परिवार को ब्लैकमेल कर चार युवकों ने मांगी 35 से 40 लाख की रकम। मैसेज द्वारा बताया अगर रुपए नहीं मिले तो कर लिया जाएगा बच्चों का अपहरण। पुलिस ने चारों युवकों को किया गिरफ्तार। फिरोजाबाद के सबसे बड़े स्कूल किड्स कॉर्नर स्कूल के संचालक मयंक भटनागर के परिवार को ब्लैकमेल कर रहे चार युवकों ने मैसेज कर स्कूल संचालक से 25 लाख रुपए की मांग की थी और कहा कि अगर रुपए नहीं दिए तो तुम्हारे बच्चों का अपहरण कर लिया जाएगा। सर, ये मामला नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा मेरे साथ त्रासदी थी जो चार साल से मैं भुगत रहा हूँ। बिना किसी गलती के जब इंसान चार साल तक मानसिक त्रासदी झेलता है, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है। और चार साल से ये लगातार, ये 2014 में हमारे साथ में कोई SMS प्रकरण हुआ, SMS प्रकरण क्या हुआ ये भी हमें नहीं पता चला। उसमें हम लोग 2-3 महीने बहुत मानसिक त्रासदी में रहे कि ये आखिरकार हमारे खिलाफ क्या हो रहा है। अभी 10 दिन पहले ही जब मैं बॉम्बे अपनी बेटी के पास में गया मिलने के लिए, तो तब मेरी पत्नी के पास में फ़ोन आया कि 2014 का ट्रेलर देखा था तुमने, तो पत्नी ने कहा कि कौन सा ट्रेलर, तो उन्होंने कहा भूल गई इतनी जल्दी, तो उन्होंने सोचा शायद कोई पागल होगा, तो उन्होंने फ़ोन रख दिया। तो उसने SMS किए कि मुझसे बात कर लो नहीं तो फिरोजाबाद में तुम्हारा निकलना दूभर कर दूंगा और तुम्हें पूरे फिरोजाबाद में बदनाम करके फेंक दूंगा। मैंने ट्रिक फोटोग्राफी से तुम्हारे कम से कम 50-100 फोटोग्राफ्स ऐसे बनवा लिए हैं कि तुम तो घर से शक्ल नहीं दिखा पाओगी बिल्कुल भी। तो पुलिस ने मैसेज भेजने वाले चार युवकों को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन पकड़े गए चारों युवकों में से दो युवक हाई प्रोफाइल फैमिली से हैं, जिनमें एक युवक तो चूड़ी फैक्ट्री संचालक का पुत्र है, लेकिन पुलिस ने अभी इस घटना का खुलासा नहीं किया है। काफी दिन से झेल रहे इस डिप्रेशन को जब मयंक भटनागर नहीं सहन कर पाए तो उन्होंने पुलिस को सारी बात बताई, तब पुलिस ने इसमें कार्यवाही की तो चार युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए इनमें दो युवा तो हाई प्रोफाइल छात्र हैं, इनमें से एक लड़का तो कारखाने के स्वामी का पुत्र है जो अपने शौक के लिए ये सब कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने इस मामले का अभी खुलासा नहीं किया है। खुलासा क्यों नहीं हुआ, आखिर वो हाई प्रोफाइल दो युवक कौन है जो अभी पुलिस हिरासत में है, या फिर इन चारों के साथ और कोई भी इस घटना में शामिल है, ये अभी एक सवाल बना हुआ है। लेकिन देखना है कि पुलिस इस घटना का खुलासा कब करती है। मैं तुम्हारे बच्चों का एड्रेस बता रहा हूँ, ये है तुम्हारे बच्चों का एड्रेस, पिन कोड समेत सही एड्रेस था उसके पास दोनों बच्चों का। और अब मैं तुम्हारे बच्चों की किडनैपिंग प्लान कर रहा हूँ और तुम्हारे आदमी को तो मैं गोली मार दूंगा गारंटी से जैसे ही वो लौट के आएगा। 4 दिन से खाना नहीं खाया था जब से मैं लौट के आया बॉम्बे से, तो मेरी पत्नी ने 4 दिन से खाना नहीं खाया। जब मुझे पता चला कि ये क्या रीज़न है, तब फिर मैंने कॉन्टैक्ट किया सीधे SSP साहब से, SP सिटी साहब से और विजिलेंस से। लेकिन मैं कार्रवाई इतना शुक्रगुजार हूँ पुलिस डिपार्टमेंट का कि मेरे एक दिन की रिपोर्ट करने के बाद दूसरे दिन इन्होंने उस केस का पर्दाफाश कर दिया। इस तरीके से मेरे को मेंटली रिलीफ किया। 4 साल से मैं जिस भावना से ग्रसित था, ना हम खाना खा पा रहे थे, 4 साल से मेरी हेल्थ बर्बाद होकर रह गई, टोटल अपने आप को बर्बाद समझ रहा था। फोन पे लगातार 25 लाख रुपए दो, कभी 30 दो, कभी 35 दो, कभी 25 लाख रुपए दो, मेरे पे कर्जा हो गया, इतने पैसे अगर नहीं दिए तो सुन, ना तू बच पाएगी ना तेरा परिवार बच पाएगा, तेरे बच्चे तो गए समझ ले, तू तो अब बिना बच्चों की हो गई आज से, इस तरीके से बातें कही जाती थी। आपने देखा कि मयंक भटनागर ने अपनी आप बीती बयान की है कि वह और उनका परिवार किस दहशत भरी जिंदगी से गुजर रहा है। फिलहाल चारों युवक पुलिस हिरासत में है और मामला हाई प्रोफाइल है। अब देखना यह है कि पुलिस कब तक करती है इस घटना का खुलासा। फिरोजाबाद से कृष्णा पोरवाल के साथ साहिल खान की रिपोर्ट।